नमस्कार, मैं हूं अलका। आप देख रहे हैं टॉक फॉर इंडिया। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन सही मायने में पत्रकारिता की नींव की शुरुआत हुई थी। बंगाल गैजेट 29 जनवरी 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिकी थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1780 में आरम्भ हुआ। हिकी गैजेट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी जेम्स अगस्टस हिकी ने पहली बार कोलकाता से 4 पृष्ठों को एक अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गैजेट का प्रकाशक आरंभ किया। इस तरह भारत में मुद्रित पत्रकारिता प्रारंभ करने का श्रेय हिकी को जाता है। बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक यह पत्र बंगाल गैजेट या हिकी गैजेट के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसका प्रकाशक हिकी किया करते थे। गैजेट के प्रवेशांक में हिकी ने स्वयं को ऑनरेबल कंपनी का मुद्रक घोषित किया। हिकी ने पत्रकारिता का कार्य क्यों शुरू किया, इसके बारे में उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारत में जो लूट मचाई गई थी, उससे वह आहत थे। अन्य कर्मचारियों की तरह वह भी यह सब देखते हुए चुप नहीं बैठ सकते थे। इसी वजह से अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का काम शुरू किया। यह पत्र एक ऐसा साप्ताहिक होने का दावा करता था जिसकी मुख्य सामग्री राजनीतिक और वाणिज्यिक थी। बंगाल गैजेट के पहले अंक में हिकी ने अपने पत्र के उद्देश्यों के बारे में लिखा। अ वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन। राजनीतिक और वाणिज्यिक खबरों के अलावा इस पत्र में शादी ब्याह व अन्य तत्कालीन सामाजिक विषयों जैसे बाजार भाव आदि की भी जानकारियां प्रकाशित की जाती थी। इस प्रकार समाचारों के प्रति कौतूहल हिकी ने ही पैदा किया था। संपादक के नाम पत्र कॉलम को प्रारंभ करने का श्रेय भी बंगाल गैजेट को ही जाता है। इस कॉलम के मन के माध्यम से यह भी पता चलता है कि पत्र जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का पक्षधर था। यह एक लोकतांत्रिक सोच को ही दर्शाता है। 25 मार्च 1780 के अंक में फिलैंथ्रोप्स के नाम से संपादक के नाम एक पत्र छपा था, जिसमें कोलकाता के पुर्तगीज शमशान घाट की गंदगी के बारे में शिकायत की गई थी। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने निजी व्यापार चलाकर और अन्य तरीकों से भारी लूट मचा रखी थी। हिकी ने इन सब गड़बड़ियों का भंडाफोड़ करना शुरू किया। इसके लिए समाचार पत्र से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता था। हिकी के गैजेट की महारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मियों की निजी जिंदगी का भंडाफोड़ करने में थी। अपने कृतियों को सबके सामने लाया जाना उस समय के अंग्रेज अधिकारियों को नागवार गुजरा। उन्होंने हिकी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। हिकी ने जब वारन हेस्टिंग को पत्नी और कुछ अन्य आला अफसरों के विरुद्ध व्यक्तिगत और तीखे प्रहार किए, तब उसे जीओपी जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा समाचार पत्र भेजने की सुविधा से वंचित कर दिया गया। अपने पत्र के एक अंक में हिकी ने हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी और मुख्य न्यायाधीश सर एलिस एमपी के बारे में चरित्र हननकारी बातें लिखी। इस वजह से उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। दोष सिद्ध होने पर उसे भारी जुर्माने चुकाने पड़े। इतना ही नहीं, जेल के सलाखों के पीछे भी बंद रहना पड़ा। इन सब के बावजूद भी हिकी ने अपना काम जारी रखा। इस बीच यूरोपीय लोगों की अगुवाई में करीब 400 हथियारबंद लोगों की भीड़ ने हिकी के प्रेस पर धावा बोल दिया। हिकी से जमानत मांगी गई, जिसे वह नहीं दे सका और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भेज दिया गया। उस पर चले मुकदमे में एक आरोप में 1 साल की कैद और ₹200 जुर्माने की सजा हुई। वहीं दूसरे आरोप में मुख्य न्यायाधीश ने वारन हेस्टिंग्स को ₹5,000 क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश पारित किया। इस तरह भारत में पत्रकारिता पर शासकीय अंकुश और दबाव उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया। हिकी की पत्रकारिता पर वारन हेस्टिंग्स ने पहला प्रहार 14 नवंबर 1780 को यह आदेश जारी करते हुए किया। आम सूचना दी जाती है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम बंगाल गैजेट आर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है, जो जे ए हिकी द्वारा मुद्रित किया जाता है, कि अंकों में निजी जिंदगी को कलंकित करने वाले अनेक अनुचित अंश पाए गए हैं जो शांति भंग करने वाले हैं। अंततः इसे जीओपी के माध्यम से प्रसारित होने की ओर अधिक अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भारत में समाचार पत्र और शासन के बीच टकराव की प्रथम घटना थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जिस जेम्स अगस्टस हिकी को पत्रकारिता के प्रादुर्भाव का श्रेय जाता है, उसी के खाते में व्यवस्था से टकराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रताड़ना के रूप में कीमत चुकाने का सम्मान भी दर्ज है।
अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने और मुकदमों से तंग आकर हिक्की पूरी तरह से टूट गए। मार्च 1782 में इस पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। हिक्कीज गैजेट के 29 जनवरी 1780 से 16 मार्च 1782 तक प्रकाशित होने की पुष्टि होती है। इसके सभी अंक उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के दुर्लभ ग्रंथ संग्रह में केवल 29 जनवरी 1780 और 5 जनवरी 1782 के अंक उपलब्ध हैं। बंगाल गैजेट का प्रकाशन बंद होने का कारण सिर्फ हिक्की के ऊपर लगाए गए आरोप ही नहीं थे, बल्कि इसके दूसरे भी वजह थे। बंगाल गैजेट के संरक्षक फिलिप फ्रांसिस को भी हिक्की के मुफलिसी के दिनों में भी इंग्लैंड वापस लौट जाना पड़ा। इस वजह से हिक्की बिल्कुल अकेला पड़ गए और पत्र को सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने न केवल पत्र के प्रकाशन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टाइप्स जब्त कर लिए, बल्कि हिक्की के प्रेस को भी बंद करवा दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान भारत में रह रहे कुछ यूरोपियों के अंदर तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरुद्ध गहन आक्रोश और असंतोष व्याप्त था। कलकत्ता इस विक्षोभ का केंद्र बिंदु बना। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप ही हिक्की गैजेट का प्रकाशन हुआ और उसे देश का पहला समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे ही प्रेरणा लेकर भारत में अन्य प्रमुख स्थानों जैसे मद्रास, बम्बई और दिल्ली जैसे जगहों से भी अंग्रेजी के साथ साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ।